हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि हमारे पास हमने डेवलपमेंट सर्वर ऐड कर दिया, पोर्ट ऐड कर दिया, ठीक है, जिसकी बात हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके थे कि हमको अगर पोर्ट चेंज करना है तो कैसे करना है। तो वो कैसे था, पोर्ट इक्वल टू या तो आप ENV फाइल से उठा लो या अपना खुद का कस्टम पोर्ट लिख दो, और यहाँ डेव सर्वर के अंदर आपका होस्ट और पोर्ट डिफाइन कर दो। तो ये क्या करेगा, आपके कस्टम पोस्ट पे चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये इशू ये आ रहा था कि हमने तो HTML फाइल में हमारे चेंज भी कर दिए, लेकिन फिर भी हमें ये फ्रंट एंड पे नहीं दिख रहा, ठीक है, ब्लैंक वाइट पे जा रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, हम जो हमारा जो रिएक्ट का जितनी भी डेटा है, जो JS फाइल है, उसका डेटा हम कहाँ दिखाना चाहते हैं, हमारे पब्लिक की index.html फाइल पे। तो index.html फाइल पे क्या हो रहा है, कुछ भी हमारा जो डेटा है वो लोड ही नहीं हो पा रहा, यहाँ पे आ ही नहीं पा रहा इस के अंदर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो रिएक्ट का जो वेब पैक होता है वो तो इसके ऊपर डेटा को ऐड कर देता है, लेकिन अब क्या करना है हमको, JS का जितना भी डेटा है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है आउटपुट, उसको कहाँ ले जाना है हमको, वेब पैक जो हमारी index.html है उसके ऊपर ले जाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, चलिए देखते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्लगइन होता है हमारा, हम ब्राउजर में चलते हैं हमारे, और वहां पे देखते हैं कि एक प्लगइन होता है हमारे पास जिसको हमको इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। क्या है वो, HTML वेब पैक प्लगइन। ये क्या करता है, जो हमारे JS का आउटपुट होता है उसको हमारे HTML के ऊपर बिल्ड कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये डेव डिपेंडेंसी है, तो इसको क्या करना होगा, npmi डैश डैश सेव डेव HTML वेब पैक प्लगइन, ये हमें करना होगा, ठीक है। अगर 4 होगा तो 4 ले लेंगे, अगर वर्जन का है लेकिन हमें लेटेस्ट चाहिए तो हम लेटेस्ट के साथ काम करेंगे। क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे ब्राउजर में, हमारे कोड फाइल में, यहाँ पे इसको डालते हैं डैश डैश डेव को, सेव डेव HTML वेब पैक प्लगइन को। अब जैसे ही आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये जो वेब पैक कॉन्फिग है इसके ऊपर हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें रिक्वायर करना होगा HTML वेब पैक को, प्लगइन को हमको रिक्वायर करना होगा, ठीक है। क्या है, कॉन्स्ट HTML वेब पैक प्लगइन इक्वल टू रिक्वायर HTML वेब पैक प्लगइन, ये तरीका है HTML वेब पैक प्लगइन को निकालने का, ठीक। नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल्स के अलावा, जहाँ पे हमने डिफाइन किए मॉड्यूल्स, यहाँ पे अब हमको क्या करना होता है, प्लगइन्स को भी डिफाइन करना होता है, ठीक है। प्लगइन्स को हमको यहाँ पे बताना होता है कि हम कौन कौन से प्लगइन यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब वो प्लगइन्स को किस तरीके से हम मैनेज करते हैं वो देखते हैं। प्लगइन्स में हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे क्या होता है, ये एरे आता है, यानी क्या होगा, नंबर ऑफ प्लगइन्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है। जो HTML लोडर होता है उसको कॉल करने का क्या तरीका होता है, कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है ऊपर, किसको लेंगे, ठीक है, ये लिखा, इसमें न्यू लिखा, न्यू लिख के ये वेरिएबल, और इसको इस तरीके से कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और क्या आता है, टेम्पलेट नाम की चीज आती है, हम टेम्पलेट डिफाइन करते हैं यहाँ पे। टेम्पलेट क्या है हमारे पास, कि हमको कहाँ पे हमारा जो डेटा है वो ले जाना है, ठीक है, और वो डेटा कहाँ पे पड़ा है हमारे पास, SRC के अंदर। वो फाइल कहाँ पड़ी है, SRC में index.html, इसके ऊपर हमको वो डेटा सारा लोड कराना है, ये होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा, न्यू HTML वेब पैक प्लगइन टेम्पलेट, और जो सा फाइल का पाथ देना है हमें, जहां भी हमें फाइल को लोड करवाना है, ये वो वाला पाथ आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, और देन अब रन करके देखते हैं, npm रन स्टार्ट, ठीक है। जैसे ही npm रन स्टार्ट करते हैं हमारा, देखो प्लगइन चलेगा, ओके, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास हमारा पेज चल पड़ेगा, एक मिनट, प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो चलते हैं हमारे ब्राउजर में, ब्राउजर में आ गए, यहाँ आते हैं, इसको रिलोड कर लेते हैं, एरर आ गई। तो एक बार देखते हैं कि एरर आई किस चीज़ की हमको, देखो अब क्या करते हैं, इसको रिलोड करते हैं, देखो एरर भी हट गई और ये भी आ गया, ठीक है। अब एरर क्या थी ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार चलते हैं ब्राउजर में, हमारे कोड में
इशू क्या था कि देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, गलती से SRC लिख दिया था, क्योंकि हम SRC फोल्डर की बात करते रहते हैं, तो क्या लिख दिया था, SRC लिख दिया था, ठीक है, जबकि हमारा जो HTML है वो कहाँ पड़ी है, पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि फाइल का पाथ हम सही लिखें, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ थी वो क्या थी, जो app.js होती है उसके अंदर आपको रिएक्ट फ्रॉम रिएक्टर सॉरी रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रिएक्ट को ऐड करना पड़ेगा, तब ये आपको एरर सारी हट जाएगी कम्प्लीटली, अदरवाइज क्या दे देगा आपको, रिएक्ट नॉट इम्पोर्ट की एरर दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जितनी भी आपकी HTML है उसको ब्राउज़र पे लोड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे फाइल में जो चेंज करोगे अपने आप ही वो चेंज हो जाएगा। देखो अभी क्या कर रखा है, आप ब्राउज़र अगर देख रहे हो तो आपके पास क्या है, नॉर्मल H1 आ रहा है, वो नॉर्मल हेलो वर्ड आ रहा है। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, H1 कर देता हूँ इसको, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम, ये देखो ये चेंज हो गया, सॉरी ध्यान नहीं दिया था मैंने, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम वेब पैक को हम जो इंस्टॉल करते हैं प्लस उसको व्यू को ब्राउजर पे देखते हैं। और वीडियोस देखने के लिए, वेब पैक के बारे में और जानने के लिए कोडमेटा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।